पुत्र की मृत्यु के बाद सच्चाई को जानने के लिए पीड़ित परिवार आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। आवास विकास सेक्टर 8 कॉलोनी का पीड़ित परिवार पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। इस पीड़ित परिवार को देखिए, बेटे की याद में माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। पीड़ित माँ का कहना है कि पुत्र पिंकू पचौरी उम्र 30 साल 11 जून को काम की तलाश में कहीं गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। पीड़ित परिवार ने पुत्र के लापता होने की सूचना थाना जगदीशपुरा को दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 11 तारीख को हमें शाम को पता चली, मम्मी को हम लोग थे नहीं यहाँ पर, कि है ना इनके दोस्त है सोवित भार्गव, उसने बताया था कि पिंकू का है ना मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और वो मिल नहीं रहा है। तब मम्मी पापा यहाँ पर आए देखने के लिए, तब पता चली, उसने बताया कि उसकी एक्टिवा ले गए थे और वो है ना यहाँ पे छोले भटूरे वाला है कोई पागल खाने के पास में, वहाँ खड़े करके चले गए। 18 तारीख को हमने गुमशुदी रिपोर्ट कराई पुलिस में जाके, पापा बार बार चक्कर लगाए, उन्होंने कहा तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम घर जाके बैठो, हमारा काम हो गया है। फिर भी मन नहीं मान रहा था, तो जहाँ कोशिश हो रही थी हम लोग ढूंढ रहे थे। पीड़ित परवान ने बताया कि पुत्र की रिश्तेदारी में तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। दिनांक 12 जून को पिंकू के मित्र शोभित भार्गव ने पिंकू का मोबाइल घर आकर वापस दिया था। कहा था कि पिंकू मोबाइल को उसकी डिग्गी में छोड़ गया था। मोबाइल मिलने के बाद भी पीड़ित परिवार पुत्र की तलाश में जुटा रहा। 23 तारीख को 2 बजे पुलिस का फोन आया पापा के पास में टीपीटी नगर से, कि आपका पिंकू पचौरी के बारे में आपको सूचना देनी है, आप 5 मिनट के अंदर आ जाओ। तो वहाँ पे जाके देखा कि उन्होंने पंचनामा वगैरह सब तैयार करके रखा हुआ है, बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी, इनसे तुरंत साइन करवाए हैं। वहाँ गए हैं, थोड़ी देर बाद बॉडी मिल गई है, हम संस्कार करके आए, मैं और ये दोनों गए हैं वहाँ पे पुलिस के पास में। हमने उनसे बोला कि हमें रिकॉर्डिंग दो, हमें बताओ, हमें दिखाओ कैसे आपको मिला, क्या मिला, उन्होंने हमें नहीं दी। 3-4 दिन बाद हमें उन्होंने वीडियो दी, वीडियो देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा, जो भी देख रहा है कोई नहीं कह सकता है कि इन्होंने अपने आप करी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि दिनांक 23 जून की दोपहर थाना हरी पर्वत से सूचना मिली कि पिंकू ने आत्महत्या कर ली है, जिसके शव को पीएम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस की ओर से दिखाए गए साक्ष्य से पीड़ित परिवार असंतुष्ट है। आज पूरे घटनाक्रम की जांच को लेकर पीड़ित परिवार ने एसएसपी से मुलाकात की। हाँ, पहले हम लोग यहाँ पे गए थे जगदीशपुरा थाने, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा, उनको हमने बताया ये सारी बातें, देखो आप भी देखो, तो वो हमें ऐसे समझाने लगे जैसे कि लगता है कि उनके सामने ही कर रहा हूँ। किसी ने भी हमें सही जवाब नहीं दिया। हरी पर्वत थाने गए, वहाँ पर भी कुछ नहीं। फिर मैं और मम्मी हम लोग एसएसपी ऑफिस गए 30 तारीख को, उनको दिया, उन्होंने सत्यनारायण जी हैं सीओ साहब हरी पर्वत, उनके पास में भेजा। 2-3 दिन बाद वो मिले, उन्होंने बयान लिया हमारा, हम उनको फ़ोन करके पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं। 3-4 दिन बाद जब हम गए, तब वो बोलते हैं, उनको बुलाते हैं और लड़कों के जिन्होंने नाम बताए हैं जिनके बारे में, तब उनसे बयान वगैरह लेते हैं। आज तक भी 3 लड़कों से पूछ पाए, एक लड़के से वो पूछ नहीं पाए, और कुछ भी नहीं है, लड़कों को छोड़ दिया, लड़के आराम से घूम रहे हैं, पूरे दिन में भी ड्रिंक करे रहते हैं, जब जब उन्हें थाने में बुलाया सब लड़के फुल नशे में आते हैं। एसएसपी की ओर से पीड़ित परिवार को जांच का आश्वासन दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पुत्र पिंकू ने आत्महत्या नहीं की है, पीड़ित परिवार इसे हत्या बता रहा है। परिवार ने आला अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जाँच की मांग की है। संदीप शर्मा, सी न्यूज़।